दरअसल सांसद ओवैसी जहां जाते हैं आजकल सिर्फ ज्ञान वापी की बातें करते हैं, बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन अब ओवैसी की पिच पर बीजेपी ने उन्हें घेरने का प्लान बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी के राज्य तेलंगाना के बीजेपी के अध्यक्ष ने ओवैसी के सामने एक चुनौती रख दी है। जी हां, एक चैलेंज। क्या है यह चुनौती, देखिए इस बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है, नहीं वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 400 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सिर्फ कुछ नाम हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिद और मुस्लिमों की बनाई इमारतों के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हैं। मस्जिदों के मंदिर होने के सबूत मिल रहे हैं, कानूनी लड़ाई चल रही है, तब हैदराबाद से निकलकर ओवैसी पूरे देश में मंदिर मस्जिद की लड़ाई को मुसलमानों के बीच ले जा रहे हैं। ज्ञानवापी की मस्जिद आपकी नहीं है, अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या आप ज्ञानवापी भी जाने देंगे? आप बोलो, अहद लोगे कि मस्जिदों को आबाद करोगे? अगर हम मस्जिद की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें उनके घर में ही घेर दिया है। गुजरात के सूरत में मस्जिदों की खुदाई की बात को लेकर ओवैसी ने जो तंज किया था, अब उसका जवाब तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय ने दिया है। उन्होंने ओवैसी के सामने रख दिया है चैलेंज। హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేసే సంస్థలను తప్పకుండా మైనార్టీ రిజర్వేషన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రామరాజ్యం వచ్చిన తోట పూర్తిగా తుడిచిపెడతాం, మైనార్టీలకు ఇచ్చే రిజర్వేషన్లను। बंडी का इशारा साफ है कि अगर मस्जिदों की खुदाई होगी तो उसके नीचे मंदिर निकलेगा। अब ये इत्तेफाक है कि कर्नाटक के मंगलुरु में जब एक मस्जिद को मरम्मत के लिए तोड़ा गया तो उसमें मंदिर के निशान मिले। पिछले कुछ दिनों से यह पूरा मामला उजागर हुआ है, जब यह दावा किया गया कि जो मस्जिद है यहाँ पर पहले प्राचीन हिंदू मंदिर हुआ करते थे और उसकी जगह पर यह मस्जिद बनाया गया है, क्योंकि जब मस्जिद के रिनोवेशन के लिए तोड़फोड़ किया गया, थोड़ा कार्रवाई की गई, तो उसमें से जो अवशेष मिले या फिर जो बनावट नजर आई वो प्राचीन हिंदू मंदिरों से मिलता हुआ बनावट था। अब इस मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन हंगामा कर रहे हैं। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष का दावा है कि हर मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर के निशान हैं। दरअसल ये ओवैसी को बीजेपी का जवाब है, जिन्होंने सूरत में इस मसले पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की थी। नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बार बार संविधान की दुहाई देकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उनकी नजर उस मुस्लिम वोट बैंक पर है जिसकी रहनुमाई का दावा वो करते रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला? फिर क्यों बोला वो? इसलिए कि भारत का ये हिस्सा है, संविधान 91 का कानून है और कोई मस्जिद को मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता।
मथुरा से लेकर काशी तक और ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक का ये विवाद भले ही कोर्ट कचहरी तक हो, लेकिन राजनीति इससे अछूती नहीं है। अब कांग्रेस को ही ले लीजिए, उसके नेता प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कुतुब मीनार और ताजमहल हिंदुओं को दे देना चाहिए। कुतुब मीनार, ताजमहल और कुतुब मीनार तो ना तो वक्फ का कब्जा है उन पे, ना मुसलमानों का कब्जा है, ना कांग्रेस पार्टी का, ना समाजवादी का, वो तो भारत सरकार के अधीन है। तो ताजमहल और कुतुब मीनार को तो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। देश में मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक सामने आ रही है। प्राचीन धरोहरों पर भी सवाल या निशान लग रहे हैं और अब तो राजनीति भी इस पर करवट बदलने लगी है। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।